हेलो एवरीवन, दिस इज योर फैकल्टी फॉर सीएफ सीए इंटर एंड सीएस एग्जीक्यूटिव कंपनी लॉ कुणाल मंधानिया। एंड सर, वी वी आर डीलिंग विद रिविजन लेक्चर्स। रिविजन लेक्चर्स में सर, हम लोग जनरल मीटिंग्स पे डील कर रहे थे। इसके पहले हम लोगों ने जनरल मीटिंग के दो पार्ट कंप्लीट कर लिए, जिसमें सेक्शन 96 से सेक्शन 109 तक हमने कंप्लीट किया है क्लास। आज के इस लेक्चर में हम लोग पूरा जनरल मीटिंग कंप्लीट करेंगे, यानी सेक्शन 110 से सेक्शन 122 एंड जो इनिशियल सेक्शंस थे 88 टू 95, ये दोनों सेक्शंस हम कंप्लीट करने वाले क्लास। ओके, तो कमिंग टू सेक्शन 110 पोस्टल बैलेट। नाउ सर, पोस्टल बैलेट कंसेप्ट क्यों आया था, छोटा सा इंट्रोडक्शन देख लो। नाउ नॉर्मली क्लास, उन लोगों के ही वोट काउंट होते हैं जो मीटिंग में आते हैं। जो लोग मीटिंग में नहीं आते वो अपना राइट ऑफ वोट एक्सरसाइज नहीं करते। आई होप इट इज क्लियर। नाउ क्लास, ऐसे कुछ कुछ इंपॉर्टेंट मैटर्स है जो कंपनी लॉ चाहता है, लॉ मेकर्स चाहते हैं कि अगर मेंबर मीटिंग में नहीं भी आ सके तो हमको उन मैटर्स पे मेंबर्स से वोट चाहिए। आई रिपीट, ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट मैटर्स है जो हम चाहते हैं मेंबर्स वोट करें नो मैटर व्हाट। इज इट क्लियर? इसीलिए एक कंसेप्ट है पोस्टल बैलेट का। मेंबर्स, तुम मीटिंग में नहीं आ सकते, कोई गल नहीं, हम तुम्हारे घर पे ही ड्राफ्ट रेजोल्यूशन की कॉपी भेजेंगे। ध्यान से सुनना, हम तुम्हारे घर पे ही नोटिस के साथ में ड्राफ्ट रेजोल्यूशन की कॉपी भेजेंगे, साथ साथ प्रीपेड रिप्लाई कार्ड भेजेंगे। आपको क्या करना है, बस रेजोल्यूशन की कॉपी पे टिक करना है कि आपको फेवर में देना है कि अगेंस्ट में वोट देना है। इज इट क्लियर? और वो जो रिप्लाई कार्ड है उसमें आपका रिप्लाई डाल के कंपनी को पोस्ट कर देना है। ओके, सिंपल। तो कंपनी को आपको पोस्ट कर देना है, टाइम लिमिट दी हुई है कि आपका रिप्लाई 30 दिन के अंदर पहुंच जाना चाहिए। ओके, आपका रिप्लाई 30 दिन के अंदर पहुंच जाना चाहिए। अगर ये दोनों रिक्वायरमेंट्स पूरे होते हैं तो यस, दिस इज रेजोल्यूशन बाय पोस्टल बैलेट। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, नंबर वन कुछ कंपनीज में, नंबर टू कुछ ही मैटर्स पे। आई रिपीट, नंबर वन कुछ कंपनीज पे, नंबर टू कुछ मैटर्स पे हमें पोस्टल बैलेट के थ्रू रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। नाउ सर, वो कंपनी कौन कौन सी है? आंसर इज ऑल कंपनीज एक्सेप्ट ओपीसी। 1% कंपनी में तो जनरल मीटिंग होती नहीं है। एंड नंबर टू, कंपनी विथ मेंबर्स अप टू 200। तो ओपीसी को छोड़ के और ऐसी कंपनी जहां मेंबर्स आर अप टू 200, इन शॉर्ट जहां मेंबर्स 200 से ज्यादा है, उन्हें इन मैटर्स पे कंपल्सरी है कि पोस्टल बैलेट से रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। ओके, हर कंपनी, पहले इस लॉ में सिर्फ लिस्टेड कंपनी लिखा हुआ था, तो कई लोगों के नोट्स में अभी भी लिस्टेड कंपनी लिखा होगा, बट वो क्राइटेरिया हट गया है। इज इट क्लियर? अनलिस्टेड कंपनी भी हो, प्राइवेट कंपनी भी हो, मैटर नहीं करता। जहां मेंबर्स 200 से ज्यादा है वहां पे आपको उन मैटर्स को पोस्टल बैलेट से पास करवाना पड़ेगा। ओके सर, मैटर्स कौन कौन से है? ये सारे मैटर्स दिए हुए हैं, डिस्कशन करके मतलब नहीं है, कहीं ना कहीं लॉ में आप ये सारे मैटर्स पढ़ने वाले हो। हाँ, इसको याद करने के लिए मैंने आपको एक शॉर्टकट दिया है, एंड क्योंकि इस पे थ्योरी क्वेश्चन आ सकता है तो आपको ये मैटर्स याद करने पड़ेंगे। आई रिपीट, क्योंकि इसमें थ्योरी क्वेश्चन आ सकता है, आपको ये मैटर्स याद करने पड़ेंगे। मैटर्स आर वेरी सिंपल। ओके, तो वापस से, ओपीसी को छोड़ के और कंपनी जहां 200 मेंबर तक है उसको छोड़ के। इज इट क्लियर? इन शॉर्ट, एनी कंपनी जहां 200 मेंबर्स से ज्यादा है वहां पे दिस इज कंपल्सरी कि ये सारे मैटर्स जो यहां पे लिखे हुए हैं वो मैटर्स पोस्टल बैलेट से ही पास करना पड़ेगा। नाउ सर, पोस्टल बैलेट मतलब क्या होता है? मेंबर तू मीटिंग में नहीं आ सकता, कोई टेंशन नहीं है। जब मैं तुझे मीटिंग का नोटिस दूंगा, उन मैटर्स को अगर पोस्टल बैलेट से पास कराना है तो उस नोटिस के साथ में मैं दो चीजें दे दूंगा तुझे। एक तो ड्राफ्ट रेजोल्यूशन की कॉपी दे दूंगा
और एक प्रीपेड रिप्लाई कार्ड दे दूंगा, ठीक है भाई। तुझे सिर्फ इतना करना है, तुझे रिजोल्यूशन में फेवर में या अगेंस्ट में वोट करना है, प्रीपेड रिप्लाई कार्ड में डाल देना है और कंपनी को पोस्ट कर देना है। आई होप इट इज क्लियर। नाउ देखो, सेंड नोटिस अलॉन्ग विथ कॉपी ऑफ ड्राफ्ट रेजोल्यूशन नंबर वन एंड प्रीपेड रिप्लाई कार्ड। उन कंजूस मेंबर्स को भी ध्यान लाओ, यहां पे प्रीपेड रिप्लाई कार्ड लिखा है क्लास, वो भी पेड है, आपको सिर्फ जहमत करनी है पोस्ट करने की। ओके, नेक्स्ट, मेंबर्स विल वोट विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ऑब्टेनिंग सच नोटिस। मतलब आपको जब से नोटिस मिला उससे 30 दिन के अंदर कंपनी के पास रिप्लाई आपके आ जाना चाहिए। तो जितने रिप्लाई वो 30 दिन के अंदर आएंगे उतने रिप्लाई को हम कंसिडर करेंगे, जितने रिप्लाई 30 दिन के बाहर आएंगे हमें वो मैटर ही नहीं करते। 30 दिन के अंदर जो रिप्लाई आएंगे उससे हम देख लेंगे वो रिक्वायर्ड रेजोल्यूशन पास हुआ है या नहीं हुआ है, डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ वोट्स। ओके, पॉइंट नंबर थ्री, वोट आफ्टर 30 डेज इज इनवैलिड। लास्ट पॉइंट, वोट काउंट करने के लिए ऑफ कोर्स आप स्क्रूटनाइजर अपॉइंट करोगे, स्क्रूटनाइजर वो सबको चेक करेगा और रिजल्ट बताएगा क्लास कि रेजोल्यूशन पास हुआ या नहीं हुआ। ओके, एक बार फिर से ओवरव्यू कर रहा हूं। नंबर वन, हर कंपनी जहां 200 से ज्यादा मेंबर है उन्हें ये कुछ मैटर्स जो यहां पे लिखे हुए हैं वो मैटर्स पोस्टल बैलेट से ही पास कराना पड़ेगा। सर, पोस्टल बैलेट सिस्टम क्या होता है? जब हम मेंबर्स को नोटिस भेज रहे हैं उनके साथ में अगर इन मैटर को आपको पोस्टल बैलेट से पास कराना है तो उनको हम ड्राफ्ट रेजोल्यूशन की कॉपी देंगे, प्रीपेड रिप्लाई कार्ड देंगे, वो अपना आंसर्स डाल के रिप्लाई कार्ड में डाल के पोस्ट कर देंगे। हमें आंसर मिल जाना चाहिए 30 दिन के अंदर। जितने वोट 30 दिन के अंदर मिले उसे काउंट करके अगर ओआर पास करना है तो ओआर पास हुआ कि नहीं हम चेक कर लेंगे, अगर उस मैटर पे एसआर पास करना है तो एसआर पास हुआ कि नहीं हम चेक कर लेंगे। सर, 30 दिन के बाद जितने भी वोट आएंगे हम बोलेंगे रेजोल्यूशन पास नहीं, 30 दिन का जो भी वोट आएंगे दोस वोट्स विल बी इनवैलिड। इज इट क्लियर? सर, ये वोट काउंट कौन करेगा? कंपनी स्क्रूटनाइजर अपॉइंट करेगा। नाउ एक बॉटम लाइन सुन लो क्लास, ये सेक्शन तब आया था जब ई वोटिंग नहीं आया था, ये सेक्शन तब आया था जब ई वोटिंग नहीं आया था। अब क्योंकि ई वोटिंग आ चुका है, मेरा पॉइंट सुनना, जो जो मैटर हम पोस्टल बैलेट से पास करा रहे हैं वो हम ई वोटिंग से भी पास कराए तो चलेगा। आई रिपीट, हर वो मैटर जो हम पोस्टल बैलेट से पास करवा रहे हैं वो ई वोटिंग से भी पास कराए तो चलेगा। लेकिन यू ऑल नो ई वोटिंग में 1000 के ऊपर मेंबर्स चाहिए और पोस्टल बैलेट 200 से ऊपर मेंबर के लिए। तो एक बार समझ लो, 1000 के ऊपर अगर आपके कंपनी में मेंबर्स है तो ऐसे केस में ई वोटिंग से ये भी मैटर पास करा दो, 1000 से कम है तो फिर आपको पोस्टल बैलेट का सहारा लेना पड़ेगा। ओके, दिस वॉज क्लास सेक्शन 110। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। छोटे छोटे कई सेक्शन है जो आज हम रिविजन में कंप्लीट कर रहे हैं। बीच में आवाज चली गई थी 10 सेकंड के लिए, वापस से आ रहा हूं। कमिंग टू सेक्शन 111, इज इट क्लियर? बहुत सिंपल सेक्शन है क्लास, बस सेक्शन का क्रक्स याद रखो, पॉइंट याद रखो, एकदम सिंपल वे में मैंने आपको ये सेक्शन बता दिया है, ठीक है? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इसको छोड़ के और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। ओके, नाउ पॉइंट समझो, अगर मेंबर्स चाहे तो अपना भी कोई बिजनेस मीटिंग में इंक्लूड करवा सकते हैं। तो कंपनी ने तो आपको नोटिस भेजा ही है, बट अगर आप चाहते हो कि नहीं हमारा भी कोई एजेंडा उस मीटिंग में आना चाहिए तो आप कंपनी को रिक्वेस्ट कर सकते हो। नंबर टू, एक और ऑप्शन दिया हुआ है, किसी मेंबर को अगर सर्कुलेट कराना है कोई स्टेटमेंट, बेस्ट एग्जांपल देता हूं, मेंबर्स को रिक्विजिशन मीटिंग लेनी है, ईजीएम लेनी है, आई होप इट इज क्लियर, और उनके लिए उनको कोई मैटर सर्कुलेट कराना है, तो कोई भी मैटर मेंबर्स चाहे तो सर्कुलेट करवा सकते हैं। दो इश्यूज, फिर से, नंबर वन, मेंबर्स चाहे तो अपना बिजनेस मीटिंग में इंक्लूड कर सकते हैं। नंबर टू, वो कोई स्टेटमेंट भी सर्कुलेट कर सकते हैं,
ये ऑप्शन दिया है सेक्शन 111 ऑफ कंपनीज एक्ट। वो क्या बोलता है, इन दो में से कुछ भी चीज करनी है तो आपको एक रिक्वेस्ट डिपॉजिट करना पड़ेगा कंपनी के पास। आई रिपीट, आपको एक रिक्वेस्ट डिपॉजिट करना पड़ेगा कंपनी के पास। अब सर ये रिक्वेस्ट कितने लोगों ने डिपॉजिट करना चाहिए? आंसर इज 1/10 ऑफ टोटल वोटिंग पावर्स और 1/10 ऑफ टोटल पेड अप कैपिटल। देखो सेम लाइक आईजीएम नहीं, ईजीएम है। जैसे ईजीएम में रिक्विजिशन मीटिंग के लिए जितनी रिक्वायरमेंट थी उतनी ही रिक्वायरमेंट यहां पे है। ओके मैं वापस से बोल रहा हूं, अगर मीटिंग कोई आने वाली है और मेंबर्स आपको भी अपना कोई एजेंडा मीटिंग में इंक्लूड करना है, और नंबर टू कोई स्टेटमेंट आपको बाकी शेयर होल्डर्स में सर्कुलेट करना है, ऐसे केस में आप कंपनी को रिक्वेस्ट दे सकते हैं। रिक्वेस्ट कम से कम इतने लोगों ने देना चाहिए, कितने? 1/10 ऑफ टोटल पेड अप कैपिटल और 1/10 ऑफ टोटल वोटिंग राइट्स, इतने लोगों ने रिक्वेस्ट करना चाहिए। नंबर वन, सर रिक्वेस्ट कब तक करना चाहिए? नॉर्मली जब से आप चाहते हो उससे इतने दिन पहले। अगर मीटिंग आने वाली है, मीटिंग में आपको एजेंडा इंक्लूड करना है, तो एटलीस्ट 6 हफ्ते पहले मीटिंग से आपने रिक्वेस्ट दे देनी चाहिए। और कोई मैटर सर्कुलेट कराना है, एटलीस्ट 2 हफ्ते पहले मीटिंग से, अगर मीटिंग के लिए सर्कुलेट कराना है, अगर जनरली सर्कुलेट कराना है किसी चीज के लिए उससे 2 हफ्ते पहले, या फिर आपको नॉर्मली सर्कुलेट कराना है आप कंपनी को दे दो, कंपनी उसे ठीक है टाइमली सब में सबमिट करा देगा 2 हफ्ते के बाद। इज इट क्लियर? सो वापस से मैं रिपीट कर रहा हूं, सेक्शन 111, अगर आपको कोई मैटर इंक्लूड करना है मीटिंग में तो 6 हफ्ते पहले डिपॉजिट करना पड़ेगा, कोई मैटर बाकी मेंबर्स में सर्कुलेट कराना है तो 2 हफ्ते पहले कंपनी के पास से मैटर डिपॉजिट करना पड़ेगा। आई होप इट इज क्लियर। कितने लोग ही डिपॉजिट करेंगे? 1/10 ऑफ टोटल पेड अप कैपिटल और 1/10 ऑफ टोटल वोटिंग राइट्स। सिंपल, दिस वॉज सेक्शन 111। आपका सिंपल से सेक्शन से सिर्फ एक मिनट्स वाला और एक रिजोल्यूशन वाला सेक्शन इंपॉर्टेंट है। कमिंग टू सेक्शन 112, देखो 112 क्या बोलता है, गवर्नर ऑफ स्टेट्स एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। गौर फरमाने वाली बात यह है कि यहां गवर्नर ऑफ इंडिया नहीं दिया हुआ है। गवर्नर दोनों के होते हैं, स्टेट्स के भी होते हैं, पूरे इंडिया का भी होता है। यहां पे गवर्नर ऑफ इंडिया नहीं दिया हुआ है, यहां गवर्नर ऑफ स्टेट्स दिया हुआ है एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इफ मेंबर ऑफ द कंपनी। अगर वो कंपनी का मेंबर है तो ये रूल आएगा, अदरवाइज किसी भी कंपनी में आके वो वोट थोड़ी करेंगे। तो अगर गवर्नर ऑफ स्टेट या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आपके कंपनी का मेंबर है, ही कैन अपॉइंट रिप्रेजेंटेटिव टू अटेंड एंड वोट ऑन देयर बिहाफ एंड दे विल नॉट बी ट्रीटेड एज प्रॉक्सी एंड विल बी डीम्ड टू बी मेंबर। ये सेम चीज हम सेक्शन 103 में भी पढ़ चुके हैं, 105 में भी पढ़ चुके हैं कि अगर आपके कंपनी का मेंबर है गवर्नर ऑफ स्टेट या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और वो नहीं आ सकता मीटिंग में और उसे वोट करना है, तो वो अपने किसी रिप्रेजेंटेटिव को भेज सकता है। उन रिप्रेजेंटेटिव को हम प्रॉक्सी नहीं मानेंगे, प्रॉक्सी के रूल्स उन पे एप्लीकेबल नहीं होंगे, जो हमने सेक्शन 103 और 105 में ऑलरेडी देख चुका है क्लास। बस ये कहां लिखा हुआ है, ये सेक्शन 112 ऑफ एक्ट में लिखा हुआ है। सिंपल, आगे बताऊं, ऐसे ही सेम रूल हमने बॉडी कॉर्पोरेट के लिए भी देखा था। सर ये कहां लिखा हुआ है, ये सेक्शन 113 में लिखा हुआ है। ओके सो 112 भी कंप्लीट हो गया, 113 भी कंप्लीट हो गया। मूविंग टू नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन 114, ये बात करता है क्लास रिजोल्यूशन की। सर रिजोल्यूशन मतलब क्या होता है, जस्ट अ मोमेंट मत समझाता हूं आपको। तो क्लास किसी भी मीटिंग का डिसीजन इज कॉल्ड एज रेजोल्यूशन। मीटिंग का डिसीजन इज कॉल्ड एज रेजोल्यूशन। तो मीटिंग में डिसाइड हो गया मतलब रेजोल्यूशन पास हो गया। अब क्लास शेयर होल्डर्स के जितने भी इश्यूज हैं, शेयर होल्डर के जितने भी इश्यूज हैं,
वो एजेंडा में जहां पे शेयर होल्डर से वोट चाहिए वहां लॉ में क्लियरली मेंशन होगा यहां ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना है या स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है। आई रिपीट, जो भी एजेंडा में लॉ में लिखा है कि यहां शेयर होल्डर्स का वोट चाहिए, इज इट क्लियर, वहां पे ये भी लिखा होगा कि कितना रिक्वायर्ड वोट चाहिए। अगर वहां पे लिखा हुआ है ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना है, मतलब मेजॉरिटी ने हाँ बोलना चाहिए। बच्चे यहां गलती करते हैं, यहां 51% बोलते हैं, नो, मेजॉरिटी ने हाँ बोलना चाहिए। तो जहां पे लॉ में लिखा है कि ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास होना चाहिए, वहां मीटिंग में उस मैटर पे अगर मेजॉरिटी ऑफ वोट मिल गया, मतलब हम बोलेंगे यस, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन हैज बीन पास, इज इट क्लियर। वाइस वर्सा, जहां जहां लॉ में लिखा है स्पेशल रेजोल्यूशन पास होना चाहिए, मतलब एटलीस्ट 75% लोग फेवर में होने चाहिए। आई रिपीट, जहां जहां लॉ में लिखा है स्पेशल रेजोल्यूशन पास होना चाहिए वहां मतलब एटलीस्ट 75% वोट्स फेवर में आने चाहिए, तब जाके हम मानेंगे कि स्पेशल रेजोल्यूशन पास हुआ है। ओके, तो ऑर्डिनरी के लिए मेजोरिटी ऑफ वोट फेवर में चाहिए, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है तो 75% या उसी को बोलते हैं 3/4 मेजोरिटी आपको मिलनी चाहिए, तब जाके हम बोलेंगे स्पेशल रेजोल्यूशन पास हुआ है। नाउ इसमें एक और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे क्लास, टोटल मेंबर्स कितने हैं हमको मैटर नहीं करता। यस, सुनो आप इससे, टोटल मेंबर्स कितने हैं हमको मैटर नहीं करता। जब हमको चेक करना है कि ओआर पास हुआ है कि नहीं या एसआर पास हुआ है कि नहीं, जितने लोग मीटिंग में आए हैं वो हमको मैटर करते हैं। उसमें भी ऐसा हो सकता है कुछ लोगों को वोट देने से रेस्ट्रिक्ट कर दिया होगा, यानी सेक्शन 106 में सिखाया था दो ही जगह रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, अगर अनपेड कॉल्स है या लीन ऑन शेयर्स है। तो जिनको रेस्ट्रिक्ट कर दिया उनको भी हटा दो, जो लोग नहीं आए उनको भी हटा दो, जितने लोग मीटिंग में आए एंड जिनके लोग जितने लोगों के वोट्स वैलिड हैं। ओके, जितने लोग मीटिंग में आए एंड उसमें जितने लोगों के वोट्स वैलिड हैं उसके हिसाब से काउंट करेंगे। तो सपोज कि अपनी कंपनी में 100 मेंबर्स हैं बट मीटिंग में 25 ही लोग आए। ओके, 25 लोगों में से ही 5 के वोट्स इनवैलिड हैं, उनको भी हटा दो, बाकी लोगों को भी हटा दो। वैलिड कितने लोगों के? सर 20 लोगों के हैं। अब उस मैटर पे अगर एसआर पास करना था, एसआर मतलब स्पेशल रेजोल्यूशन, आई होप इट इज क्लियर। तो ऐसे केस में 20 का अगर आप 75% निकालोगे तो 15 लोगों ने फेवर में वोट करना चाहिए। अब क्वेश्चन देखो, अगर 15 लोगों ने फेवर में वोट किया है तो हम बोलेंगे कि एसआर हैज बिन पास। अगर एटलीस्ट 15 लोगों ने भी वोट नहीं किया तो हम बोलेंगे वो रेजोल्यूशन पास नहीं हुआ, वो एजेंडा डिस्कस नहीं हुआ कि क्योंकि एसआर पास करना था, रिक्वायर्ड वोट नहीं मिले। सेम वेस अगर उस मैटर पे ओआर पास करना था तो 20 में से 10 से ज्यादा मेजोरिटी मतलब 11 लोगों ने कम से कम फेवर में वोट करना चाहिए। ओके, तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ओआर पास करने बोला है मतलब मेजोरिटी ऑफ लोगों ने उसके फेवर में वोट करना चाहिए। एसआर पास करने बोला है मतलब एटलीस्ट 3/4 यानी 75% लोगों ने उस मैटर पे फेवर में वोट करना चाहिए, तब जाके ओआर या एसआर पास होगा। अब ओआर या एसआर के लिए वोट की काउंटिंग कितने लोगों में से करेंगे? तो जितने लोग मीटिंग में नहीं आए भूल जाओ, जितने लोगों के वोट्स इनवैलिड है भूल जाओ, जितने लोगों के वोट वैलिड है उसमें परसेंटेज लगा के, ये रूल्स लगा के चेक करो कि रिक्वायर्ड रेजोल्यूशन पास हुआ या नहीं हुआ। ओके, ओआर मतलब क्या? जितने वोट फेवर में है जितने वोट अगेंस्ट में है, फेवर वाले वोट अगेंस्ट वालों से ज्यादा होना चाहिए, मेजोरिटी। एसआर बोल दो सर, वही है 75% वोट फेवर में चाहिए, उसी को बोलते हैं 3/4 मेजोरिटी। या और एक तरीका है, सिंपल तरीका है, दोनों का मीनिंग सेम ही है क्लास, जितने वोट अगेंस्ट में है वो चेक करो, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर कम से कम उतने वोट फेवर में आ रहे हैं तो भी आप मान लोगे एसआर पास हो गया। यस, अभी का एग्जांपल लेते हैं ना, 5 वोट अगेंस्ट में है 15 फेवर में है, आप सीधा बोल दोगे एसआर पास हुआ। अब ये कैलकुलेशन से भी चेक कर लो, 5 अगेंस्ट में है मल्टीप्लाई बाय 3 कर दो, यानी कम से कम 15 फेवर में होने चाहिए थे, है क्या? यस, तो एसआर पास हो गया।
तो तीनों लिखने के तरीके है क्लास, तीनों का मीनिंग सेम है। ओके 75% मेजोरिटी बोलो या 3/4 मेजोरिटी बोलो या आप बोलो जितने वोट अगेंस्ट में है उसका 3 गुना वोट फेवर में होने चाहिए। इट इज वन एंड द सेम थिंग क्लास। आई होप इट इज क्लियर। तो सेक्शन 114 बात करता है रेजोल्यूशन की। इसमें एग्जाम में प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ चुका है और आता है, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। इतने लोग आए, इतने लोग ये था, ओआर या एसआर पास करना है, बताओ ओआर या एसआर पास हुआ कि नहीं। सिंपल। चलो क्लास, नोट, वोट विल बी काउंटेड ओनली इफ मेंबर्स हु आर प्रेजेंट हुज वोट्स आर वैलिड एंड आर नॉट अब्सटेन्ड फ्रॉम वोटिंग। अब्सटेन नहीं किया गया है। ओके जिनको भी कोई पॉइंट लिखना है आप पॉज करके लिख सकते हो। इज इट क्लियर। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जिन लोगों को इन सब नोट्स के फ्लो चार्ट, ये जो शॉर्ट में लिखे हुए हैं, या आपको पीपीटी चाहिए, तो ऐसे केस में ये नोट्स के साथ में टेलीग्राम का भी मेरे पेज का मैं लिंक दे दूंगा, आप टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाओ। मैं टेलीग्राम में भी साथ साथ ये डेली पोस्ट करते रहूंगा। तो मेरे लेक्चर्स के साथ में टेलीग्राम में अगर आप जाओगे तो आपको उनसे सारे नोट्स भी मिल जाएंगे। आई होप इट इज क्लियर। चलो क्लास, कमिंग टू नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन 115। नाउ क्लास, कुछ कुछ ऐसे एजेंडा होते हैं जहां पहले लिखा हुआ रहता है कि स्पेशल नोटिस रिक्वायर्ड है। आपको दो एग्जांपल दे देता हूं, जैसे अपॉइंटमेंट ऑफ न्यू ऑडिटर इन प्लेस ऑफ रिटायरिंग ऑडिटर, या अपॉइंटमेंट ऑफ न्यू डायरेक्टर इन प्लेस ऑफ रिटायरिंग डायरेक्टर। यहां लॉ में स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि इन्हें रिमूव करने के पहले स्पेशल नोटिस चाहिए। तो सर पहला क्वेश्चन है, स्पेशल नोटिस होता क्या है? दूसरा, कितने लोग स्पेशल नोटिस दे सकते हैं? तीसरा, ये स्पेशल नोटिस कब तक देना चाहिए? आई रिपीट, कुछ कुछ रेजोल्यूशंस में लिखा होता है कि यहां पे स्पेशल नोटिस रिक्वायर्ड है। तो स्पेशल नोटिस के रूल्स क्या है ये लिखे हुए क्लास सेक्शन 115 में। सर स्पेशल नोटिस होता क्या है? स्पेशल नोटिस में स्पेशल ये है क्लास कि ये नोटिस शेयर होल्डर्स कंपनी को देते हैं। आई रिपीट, स्पेशल नोटिस में स्पेशल ये है क्लास कि ये नोटिस शेयर होल्डर्स कंपनी को देते हैं। आई होप इट इज क्लियर। सर कितने मैटर्स में देते हैं, कौन कौन से मैटर्स में देते हैं, जहां जहां लॉ में लिखा हुआ है? ओके रूल्स क्या है? सर देखो, स्पेशल नोटिस क्या होता है? व्हाट? बाय शेयर होल्डर्स। तो शेयर होल्डर्स कंपनी को जो नोटिस देते हैं उसे बोलते हैं स्पेशल नोटिस। नंबर टू, बाय हुम? क्लास हर जगह लॉ में लिखा है कम से कम इतने लोगों ने देना चाहिए, ये ध्यान रखना, ये एमसीक्यू के लिए जरूरी है। इतने लोगों ने जिनका मिला के 1% वोटिंग राइट्स है, तो कंपनी में टोटल वोटिंग पावर्स कितने हैं, उसमें से जितने लोगों ने रिक्वेस्ट करना चाहिए जिनका मिला के 1% वोटिंग राइट्स है, और इतने लोग जिनका मिला के एटलीस्ट 5 लाख रुपए पेड अप कैपिटल है। तो सर स्पेशल नोटिस कितने लोग दे सकते हैं? इतने लोग जिनके पास मिला के कम से कम 1% वोटिंग राइट्स है ऑफ टोटल वोटिंग राइट्स ऑफ द कंपनी, और नंबर टू, जिनके पास मिला के कम से कम 5 लाख रुपए का पेड अप कैपिटल है, इतने लोग स्पेशल नोटिस भेज सकते हैं। सर ये कब तक भेजना पड़ेगा? टाइम लिमिट एटलीस्ट 14 डेज बिफोर द मीटिंग। मीटिंग से 14 दिन पहले कम से कम स्पेशल नोटिस कंपनी के पास आ जाना चाहिए। ओके मैक्सिमम टाइम कितना दिया हुआ है क्लास? 3 मंथ्स। ये मैक्सिमम आप याद कर लो, प्रैक्टिकल लाइफ में हम मिनिमम टाइम पे ही ज्यादा फोकस करते हैं। तो आई रिपीट, सपोज इस जनरल मीटिंग में अपने को ऑडिटर को रिमूव करना है, और सेक्शन 140 रिमूवल ऑफ ऑडिटर में लिखा हुआ है कि किसी भी बंदे को आपको रिमूव करना है तो उसके लिए आपको स्पेशल नोटिस रिक्वायर्ड है। तो सर ये स्पेशल नोटिस कितने लोग देंगे ये आपको समझ गया, कब तक देंगे? मीटिंग से कम 14 डेज पहले देंगे। आई होप इट इज क्लियर। अब रिप्लाई बाय द कंपनी, जब भी शेयर होल्डर से ये स्पेशल नोटिस आएगा कंपनी उसकी कॉपी बाकी शेयर होल्डर्स में सर्कुलेट करेंगी। आई रिपीट, जब भी शेयर होल्डर्स से ये नोटिस आएगा कंपनी उसकी कॉपी बाकी शेयर होल्डर्स में सर्कुलेट करेगी एटलीस्ट 7 डेज बिफोर द मीटिंग।
तो मीटिंग से 14 दिन पहले हमको स्पेशल नोटिस आया, हम यानी कंपनी बाकी लोगों में सर्कुलेट करेंगे मीटिंग से 7 दिन पहले। तो बाकी लोगों को भी मालूम पड़ गया, अच्छा इस मैटर पे स्पेशल नोटिस आया है तो मीटिंग में आके दे विल बी प्रिपेयर्ड। ओके सर, इफ नॉट पॉसिबल पब्लिश इन न्यूज़पेपर एंड पोस्ट इन वेबसाइट। अगर 7 दिन पहले सर्कुलेट करना पॉसिबल नहीं है कंपनी के लिए तो कंपनी एडवर्टीजमेंट दे देगी न्यूज़पेपर में और वेबसाइट पे पोस्ट भी कर देगी। एग्जाम्पल्स दिए कुछ, डायरेक्टर को अपॉइंट करना, डायरेक्टर को रिमूव करना, किसी भी नए ऑडिटर को अपॉइंट करना, ये सब एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं जो मैंने आपको अभी भी एग्जाम्पल्स दे चुका हूं। ऑलराइट क्लास, दिस वाज सेक्शन 115 जो स्पेसिफिकली बात करता है अबाउट स्पेशल नोटिस। डन, चलो क्लास मूविंग टू सेक्शन 116। नाउ क्लास, सेक्शन 116 का रेलेवेंस क्या है समझ लो। क्लास कई बार प्रैक्टिकल लाइफ में मीटिंग जो होती है ना वो एडजर्न हो जाती है और हम बोलते हैं कि एडजर्न मीटिंग इज नथिंग बट एक्सटेंशन ऑफ ओरिजिनल मीटिंग। तो अज्यूम करते हैं कि ओरिजिनल मीटिंग होना चाहिए था 25 सितंबर को, वो एडजर्न हुई और हुई 3 अक्टूबर को, एग्जांपल ले रहे हैं। अब रेजोल्यूशंस कुछ पास हुए एडजर्न मीटिंग में 3 अक्टूबर को, तो सिंस एडजर्न मीटिंग इज अ एक्सटेंशन ऑफ ओरिजिनल मीटिंग, वो जो रेजोल्यूशन पास हुआ है वो डेट ऑफ ओरिजिनल मीटिंग में मानेंगे कि पास हुआ है कि एडजर्न मीटिंग में पास हुआ है वो डेट मानेंगे। तो प्रैक्टिकली बताओ मुझे, पास कहां पे हुआ सर, एडजर्न मीटिंग में हुआ कि ओरिजिनल मीटिंग में हुआ? सर एडजर्न मीटिंग में हुआ, डेट क्या थी सर? वो अक्टूबर की डेट जो अभी मैंने बात किया वो डेट थी। इज इट क्लियर? तो पॉइंट बहुत सिंपल है, भले ही एडजर्न मीटिंग इज अ एक्सटेंशन टू ओरिजिनल मीटिंग बट एडजर्न मीटिंग के दिन जो रेजोल्यूशन पास हुए हम बोलेंगे वो उसी डेट पे पास हुए जिस डेट पे एडजर्न मीटिंग हुई थी, नॉट जिस डेट पे ओरिजिनल मीटिंग हुई थी। ओके सिंपल, तो भले ही वो एडजर्न मीटिंग में पास हुआ है तो हम वो उसी का डेट लेंगे, ओरिजिनल मीटिंग का डेट नहीं लेंगे डेट ऑफ पासिंग रेजोल्यूशन। ये बात करता है सेक्शन 116 जो क्या बोलता है, although adjourn meeting is a extension to and part of original meeting, I repeat, although adjourn meeting is a extension to and part of original meeting, but any resolution passed in the adjourn meeting is deemed to be passed on date of passing and not earlier date. मतलब जिस डेट पे वो पास हुआ है वही डेट कंसिडर करेंगे, ओरिजिनल मीटिंग का डेट कंसिडर नहीं करेंगे। ओके चलो नेक्स्ट सेक्शन 117। इस पे क्वेश्चंस नहीं आते क्लास, दिस इज ओनली फॉर नॉलेज, सेक्शन 117। तो सर आपको याद होगा मैंने आपको एक पॉइंट बाकी हर चैप्टर में पढ़ाया है, मैंने क्या बोला, जब भी कोई स्पेशल रेजोल्यूशन पास होता है वो रेजोल्यूशन पास होने के 30 दिन के अंदर, शांति से सुनना क्लास बहुत सिंपल है, जब भी कोई रेजोल्यूशन पास होता है स्पेशल रेजोल्यूशन पास होता है उससे 30 दिन के अंदर हमको आरओसी के पास उसकी एक कॉपी फाइल करनी पड़ती है इन फॉर्म नंबर MGT 14। पढ़ा ना हमने हर जगह, जहां भी हमने पढ़ाऊंगा लॉ में कि यहां पे स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है, हम हमेशा बाद में पढ़ते हैं कि कॉपी ऑफ दैट रेजोल्यूशन शुड बी फाइल्ड विद आरओसी विद इन 30 डेज इन फॉर्म नंबर MGT 14। ये पढ़ा ना हमने पक्का। तो माय पॉइंट इज सेक्शन 117 क्या बोलता है, कौन कौन से वो रेजोल्यूशन है जिसकी कॉपी आपको आरओसी के पास फाइल करनी पड़ेगी इन MGT 14। तो ऐसा तो अपने को पता है ठीक है, और कौन कौन से रेजोल्यूशन है वो एक जगह पे दिए हुए हैं क्लास सेक्शन 117 में। ओके क्या बोलता है, नंबर 1 SR, इज इट क्लियर? वो स्लाइड्स बनाने के लिए अभी टाइम नहीं था तो इट इज बेटर कि मैंने फोटो खींच के ये कर दिया, बिकॉज हम इस सेशन को पोस्टपोन नहीं कर सकते ना, स्लाइड्स बनाना लेट हो जाए तो हम सेशन को पोस्टपोन नहीं कर सकते, इसलिए मैंने सीधा फोटो क्लिक करके इसमें डाल दिया एंड आई थिंक इट इज क्वाइट विजिबल, तो कोई टेंशन नहीं है। ओके तो SR, नंबर 2 वो बोर्ड रेजोल्यूशन जिसमें आप अपॉइंट कर रहे हैं, रिनीव कर रहे हैं या वेरिएशन ऑफ टर्म्स डाल रहे हैं MD के, मैनेजिंग डायरेक्टर के, और कहीं नहीं,
वो बोर्ड रेजोल्यूशन जहां आप मैनेजिंग डायरेक्टर से रिगार्डिंग कोई वेरिएशन कर रहे हैं, वो भी जब पास होगा उसके 30 दिन के अंदर आपको आरओसी को कॉपी देनी पड़ेगी, ठीक है, MGT 14 में। नंबर थ्री, रेजोल्यूशन फॉर वाइंडिंग अप। वाइंडिंग अप के भी जो रेजोल्यूशन है, ठीक है, वाइंडिंग अप के लिए जो भी रेजोल्यूशन पास करना है, ओआर पास करना पड़ता है, तो उसकी भी कॉपी आप आरओसी को देंगे MGT 14 में। फोर्थ, रेजोल्यूशन एज पर सेक्शन 179 सबसेक्शन 3, दैट इज बोरोइंग पावर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है, इसमें इन तीन कंपनी को छोड़ के बाकी कंपनीज को भी उसकी कॉपी देनी पड़ेगी। क्या सिर्फ समझने के लिए समझो, इंटर लेवल के लिए ऐसे खोद खोद के क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है इस पे, बट हमको मालूम होना चाहिए ऊपर से। नंबर फाइव, यूनानिमस रेजोल्यूशंस। यूनानिमस मतलब जहां 100% वोट फेवर में है, एक भी वोट अगेंस्ट में नहीं है। तो लॉ में सिर्फ ओआर या एसआर नहीं होता, कुछ कुछ ऐसे भी डिसीजन है, बहुत कम है, जहां 100% वोट फेवर में चाहिए। तो जहां जहां 100% वोट फेवर में चाहिए, आपने जब वो रेजोल्यूशन पास किया तो उसकी कॉपी भी आपको आरओसी को देना पड़ेगा इन 3 डेज इन फॉर्म नंबर MGT 14। नेक्स्ट, क्लास रेजोल्यूशन, ठीक है, एग्जाम्पल सेक्शन 148, वेरिएशन ऑफ क्लास ऑफ शेयर होल्डर्स। तो कोई इंपॉर्टेंट क्लास रेजोल्यूशन जो कंपनीज एक्ट में ही दिया है कि ये क्लास मीटिंग में हेल्ड होना चाहिए, एक पर्टिकुलर क्लास ऑफ शेयरहोल्डर्स की मीटिंग में हेल्ड होना चाहिए, ओके, तो कोई कंपनीज एक्ट वाला मैटर जो क्लास मीटिंग में हेल्ड होना चाहिए, उसकी भी रेजोल्यूशन पास करने के बाद कॉपी दोगे 30 दिन के अंदर आरओसी को इन फॉर्म नंबर MGT 14। ऑल दिस रेजोल्यूशन, मैं फिर से बोल रहा हूं, सेक्शन 117 किस पे बात कर रहा है क्लास, कि कौन कौन से रेजोल्यूशन आपको आरओसी के पास फाइल करने हैं। हमने क्या देखा, एसआर, बीआर इन कनेक्शन विद एमडी, नंबर थ्री वाइंडिंग अप का रेजोल्यूशन, नंबर फोर बोरोइंग पावर्स पे रेजोल्यूशन, नंबर फाइव कोई यूनानिमस रेजोल्यूशन है तो, एंड नंबर सिक्स कोई क्लास रेजोल्यूशन। इन सब अगर आप पास कर रहे हैं तो दिस इज अ रिक्वायरमेंट बाय सेक्शन 117 कि दिस शुड बी फाइल्ड विद आरओसी विद इन 30 डेज इन फॉर्म नंबर MGT 14। दिस शुड बी फाइल्ड विद आरओसी विद इन 30 डेज इन फॉर्म नंबर MGT 14, ओके। और अगर नीचे लिखा हुआ है, अगर 30 दिन के ऊपर चला गया तो आपको पेनाल्टी भी पे करनी पड़ेगी, ओके, अगर 30 दिन के ऊपर चला गया तो आपको पेनाल्टी पे करनी पड़ेगी। दिस इज सेक्शन 117, ओके क्लास। चलो, सो क्लास कमिंग टू नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज सेक्शन 118, जो बात करता है सर मिनट्स के बारे में। सर मिनट्स क्या होता है? सी क्लास, कोई भी मीटिंग हो, जनरल मीटिंग हो, बोर्ड मीटिंग हो, हम या लॉ मेकर्स चाहते हैं उस मीटिंग का ऑफिशियल रिकॉर्ड होना चाहिए। आई रिपीट, लॉ मेकर्स चाहते हैं कि जो भी आप मीटिंग कंडक्ट कर रहे हो वो मीटिंग में क्या क्या हुआ उसका एक ऑफिशियल रिकॉर्ड होना चाहिए। दिस ऑफिशियल रिकॉर्ड इज कॉल्ड एज मिनट्स। आई होप इट इज क्लियर। तो मीटिंग कंप्लीट होती है, उस मीटिंग के मिनट्स बनते हैं। कंपनी में एक बुक होती है जिसे बोलते हैं मिनट बुक। उस मीटिंग के मिनट्स में वो मीटिंग में क्या क्या हुआ उसकी पूरी समरी लिखी होती है। वो समरी चेक करने के बाद चेयरमैन वो मिनट्स को साइन करता है और फिर कंपनी सेक्रेटरी या जो भी ऑफिसर होगा वो मिनट बुक के अंदर उस मिनट्स को डाल देता है। तो सर बोर्ड मीटिंग हो, जनरल मीटिंग हो, कोई भी मीटिंग हो, उस मीटिंग के हम मिनट्स प्रिपेयर करते हैं। सर मिनट्स क्या होता है? इट्स अ फेयर एंड करेक्ट समरी ऑफ प्रोसीडिंग्स ऑफ द मीटिंग। फेयर एंड करेक्ट समरी। अब यहां इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, मिनट्स में डिटेल्स नहीं लिखे होते क्लास मीटिंग के, कि पहले इसने ये बोला, फिर उसने ये बोला, फिर ऐसा हुआ, फिर वैसा हुआ। उसमें सिर्फ क्या लिखी होती है, समरी। इज इट क्लियर? इट्स अ समरी ऑफ इवेंट्स हेल्ड इन द मीटिंग। इट इज द ऑफिशियल रिकॉर्ड ऑफ इवेंट हेल्ड इन द मीटिंग। इट्स अ ऑफिशियल रिकॉर्ड ऑफ इवेंट्स हेल्ड इन द मीटिंग, ओके। नेक्स्ट पॉइंट सर,
अप्लीकेबल किस पे है? नंबर वन टू ऑल द कंपनीज, यहां कोई एक्सेप्शन नहीं है, हर कंपनी को मिनट्स प्रिपेयर करना पड़ेगा एंड फॉर ऑल द मीटिंग्स, चाहे वो मीटिंग बोर्ड मीटिंग हो, जनरल मीटिंग हो, कोई भी मीटिंग हो, उसके आपको मिनट्स प्रिपेयर करने पड़ेंगे. ओके, नेक्स्ट, सेक्शन 8 कंपनी नॉट रिक्वायर्ड टू हैव मिनट बुक. तो एक ही एक्सेप्शन दिया हुआ है जो एमसीक्यू के लिए भी क्लास आ सकता है, कि सेक्शन 8 कंपनी में जितनी भी मीटिंग्स होती है आपको मिनट्स प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है क्लास. ओके, नाउ सर, ये मिनट साइन कौन करेगा, इसको लेके क्या रूल है वो हम चेक कर रहे हैं. नंबर वन, इट शुड बी प्रिपेयर्ड एंड एंटर्ड इनटू मिनट्स बुक विद इन 30 डेज ऑफ द मीटिंग. दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि जैसे ही मीटिंग खत्म हुई उस मीटिंग के मिनट्स आपने मीटिंग से 30 दिन के अंदर प्रिपेयर भी करवा देना चाहिए और साइन भी करवा देना चाहिए. ओके, इसमें रूल क्या है? एवरी पेज शुड बी इनिशियल्ड एंड लास्ट पेज शुड बी साइन बाय चेयरमैन. सर, इनिशियल क्या होता है? सपोज चेयरमैन का नाम है कुणाल, तो मैं क्या करूंगा, मिनट बुक्स को रिव्यू कर लूंगा एंड उसके बाद हर पेज पे मेरा इनिशियल के, कुणाल का इनिशियल क्या हुआ, के. तो मैं हर पेज पे इनिशियल डालूंगा चेक करने के बाद एंड लास्ट पेज पे क्लास क्या करूंगा, साइन कर दूंगा. तो मिनट्स में एवरी पेज शुड बी इनिशियल एंड लास्ट पेज शुड बी साइन. अब एक पॉइंट देखना क्लास, जिससे प्रैक्टिकल क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आता है. नाउ एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा क्लास, कि मीटिंग खत्म हुई, चेयरमैन के फादर अनवेल हो गए, उनको कैंसर हो गया एंड उसके लिए इमिडिएटली मीटिंग के बाद कुछ दिन के अंदर चेयरमैन को 2-3 महीने के लिए अब्रॉड जाना पड़ा. ओके, नाउ पॉइंट समझो, चेयरमैन तो क्लास चला गया, ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में मिनट्स तो अभी तक साइन नहीं हुए हैं. तो रूल क्या बोलता है, चेयरमैन अगर मर गया ऐसा क्वेश्चन आया, या चेयरमैन अनअवेलेबल है ऐसा क्वेश्चन आया, ऐसे केस में डायरेक्टर ऑथोराइज करेंगे बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मतलब बीओडी किसी पर्सन को ऑथोराइज करेंगे कि तू वो मिनट्स को साइन कर ले. ओके, सो आई रिपीट, अगर मीटिंग कंप्लीट होने के बाद उस मीटिंग का चेयरमैन अवेलेबल नहीं है विदाउट बिकॉज ऑफ एनी रीजन, ऐसे केस में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक डायरेक्टर को या किसी पर्सन को ऑथराइज करेंगे कि तुम मिनट्स को रिव्यू करो और साइन कर दो. ये एग्जाम में प्रैक्टिकल क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा है और पास में आ भी चुके हैं. ओके, सो आई रिपीट सर, कोई भी कंपनी हो, कोई भी मीटिंग हो, ठीक है, आपको मीटिंग के मिनट्स बनाने पड़ेंगे. सर, मिनट्स में क्या होगा, समरी होगी. इज इट क्लियर? इट्स ऑफिशियल रिकॉर्ड ऑफ इवेंट्स हेल्ड इन द मीटिंग. इज इट क्लियर? सर, उसको रिव्यू कौन करेगा, उसको चेयरमैन रिव्यू करेगा, रिव्यू करते हुए हर पेज पे इनिशियल डालेगा एंड लास्ट पेज पे साइन करेगा. सर, ये साइन कब तक हो जाना चाहिए? ये साइन विद इन 30 डेज फ्रॉम मीटिंग हो जाना चाहिए. ओके सर, सर किसी रीजन से अगर चेयरमैन अवेलेबल नहीं है मिनट बुक साइन करने के लिए, ऐसे केस में बीओडी किसी पर्सन को ऑथराइज करेंगे एंड दैट पर्सन कैन रिव्यू एंड साइन द मिनट्स. ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, इंस्पेक्शन. ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट. सर, इंस्पेक्शन कौन करेंगे, क्या करेंगे, इसको रिलेटेड रूल्स क्या है, इधर ध्यान दो. सी, कैन बी इंस्पेक्टेड ओनली बाय मेंबर्स, ठीक है. सेक्शन 111 इट बोलता है कि ये इंस्पेक्शन मेंबर्स ही करेंगे. ओके, बाय द वे इंस्पेक्शन पे सेक्शन 119 बात करता है. नेक्स्ट सेक्शन, इंस्पेक्शन पे बात करता है सेक्शन 119 कि यस, याद रखना, बाहर वाले मिनट बुक को इंस्पेक्ट नहीं कर सकते, या तो मेंबर्स करेंगे या तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करेंगे. ओके, आगे बताऊं, अगर मेंबर्स को इंस्पेक्ट करना है
तो वो सिर्फ बिजनेस आवर्स में ही इंस्पेक्ट कर सकते हैं। आई रिपीट, अगर मेंबर्स को इंस्पेक्ट करना है तो बिजनेस आवर्स में भी इंस्पेक्ट कर सकते हैं। कंपनी ने एटलीस्ट 2 घंटे का प्रोविजन रखना चाहिए हर बिजनेस आवर्स में कि कोई किसी को मिनट्स इंस्पेक्ट करना है तो वो कर सकता है। आई रिपीट, अगर कोई मेंबर है और उसको मिनट्स बुक्स इंस्पेक्ट करना है, यस, वो डेफिनेटली मिनट्स इंस्पेक्ट कर सकता है, बट किसका? जनरल मीटिंग का। वो बोर्ड मीटिंग के मिनट्स को चेक नहीं कर सकता। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तो हर मिनट्स को चेक कर सकते हैं, ठीक है, बट मेंबर सिर्फ जनरल मीटिंग के मिनट्स को ही चेक कर सकता है, नंबर वन। नंबर टू, उसके लिए उसे कंपनी को रिक्वेस्ट भेजनी पड़ेगी कि मुझे मिनट्स चेक करना है। ऐसे केस में यस, कंपनी उसे इनवाइट करेगी कि आप मिनट्स चेक करो, बट ओनली ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स। इज इट क्लियर? और 2 घंटे का जो प्रोविजन कंपनी लगाया है उसके लिए। अगर उसे कॉपी चाहिए क्लास, तो हम कॉपी भी प्रोवाइड कर सकते हैं, बट उसके लिए प्रिस्क्राइब फीस है ₹10 पर पेज। ये लॉ में लिखा है, क्वेश्चन आएगा नहीं आएगा पता नहीं, बट अगर उसे कॉपी भी चाहिए उस मीटिंग के मिनट्स की तो हम उसे दे सकते हैं, बट उससे हम चार्ज करेंगे ₹10 पर पेज। नोट, रेफ्यूजल टू मेंबर्स अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस नॉट अलाउड, ठीक है, इवन इफ BR इज पास। इसको मैं ठीक करता हूं, बोर्ड मीटिंग के मिनट्स मेंबर्स चेक नहीं कर सकते, मेंबर्स की बात कर रहा हूं, जनरल मीटिंग के मिनट्स वो चेक कर सकते हैं, ओके। और अगर बोर्ड ऑफिस ने मिलकर बोर्ड रिजोल्यूशन पास करके रिफ्यूज भी कर दिया किसी मेंबर को, तो वो अलाउ नहीं है, ऐसा यहां पे लिखा हुआ है क्लास, ओके। आगे बढ़ता हूं, सर इंस्पेक्ट जनरल मीटिंग के मिनट्स कौन कर सकता है, क्या मेंबर्स इंस्पेक्ट कर सकता है, उससे बात कर रहा है सेक्शन 119। सेक्शन 119 बोलता है कि यस, मेंबर्स जनरल मीटिंग के मिनट्स चेक कर सकते हैं, मेंबर बोर्ड मीटिंग के मिनट्स चेक नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्लास बोर्ड मीटिंग के मिनट्स चेक करने का ऑप्शन दिया तो डायरेक्टर्स जो जो इंपॉर्टेंट डिसीजंस ले रहे हैं सबको मालूम पड़ जाएगा, तो ये इनसाइडर्स ट्रेडिंग हो सकता है, अंदर की बातें बाहर जा सकती है, ओके। तो मेंबर्स आप जनरल मीटिंग के मिनट्स चेक कर सकते हो, आप बोर्ड मीटिंग के मिनट्स चेक नहीं कर सकते, नंबर वन। नंबर टू, वो चेक करने कंपनी को अप्लाई करना पड़ेगा, यस, कंपनी आपके लिए बिजनेस आवर्स में 2 घंटे का प्रोविजन रखेगी, उसमें आप आके इंस्पेक्ट कर सकते हो। अगर आपको कॉपी भी चाहिए उसकी तो हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको ₹10 पर पेज पैसा भरना पड़ेगा कंपनी के पास, ओके। अब आप मेंबर्स को मना नहीं कर सकते, इवन डायरेक्टर्स ने बोर्ड रेजोल्यूशन भी पास किया तो आप मेंबर को मना नहीं कर सकते। सम अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, नंबर वन, कि क्या चेयरमैन किसी मैटर को एक्सक्लूड कर सकता है मिनट से? मीटिंग में कोई इश्यू हुआ, कोई मैटर हुआ, क्या चेयरमैन उसे एक्सक्लूड कर सकता है? द आंसर इज यस। नंबर वन, अगर उसे लगता है कि इमटेरियल है ये मैटर, तो काम का ही नहीं है, ठीक है, हटा दो। नंबर टू, अगर ये लगता है कि इट इज डिफेमेटरी टू एनी पर्सन, किसी पर्सन को डिफेम कर रहा है, या डेट्रीमेंटल टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी, कंपनी के इंटरेस्ट में नहीं है ऐसा मैटर, ठीक है, अगर ये 3 में से 1 ग्राउंड एग्जिस्ट करते हैं, नंबर वन वो मैटर इमटेरियल है, नंबर टू वो किसी पर्सन को डिसरिप्यूट ला सकता है, या नंबर थ्री, ठीक है, वो कंपनी के इंटरेस्ट में नहीं है, फॉर एग्जाम्पल झगड़ा हुआ, इसने ये बोला, इसको मारपीट हुई, वो अपने काम का नहीं है, कंपनी के हित में नहीं है, ऐसे केस में आप चाहो तो उसे एक्सक्लूड कर सकते हो, बट इन तीनों इश ग्राउंड को छोड़ के किसी और ग्राउंड में आप मैटर को एक्सक्लूड नहीं कर सकते। नेक्स्ट वन, सर प्रिजर्व कितने साल तक करना है, इसमें MCQ क्वेश्चन आ सकता है क्लास, और इधर ध्यान देने वाली बात स्पेशली क्यों है ये समझिए। अगर आपको याद होगा तो हमने बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे भी सेक्शन देख चुका है, सेक्शन 128 डील्स विद बुक्स ऑफ अकाउंट्स, वहां हमने देखा था कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स कम से कम 8 साल के लिए प्रिजर्व होने चाहिए। आई रिपीट, हमने देखा था वहां बुक्स ऑफ अकाउंट्स 8 साल के लिए प्रिजर्व होने चाहिए, तो इस पे एक MCQ क्वेश्चन आ सकता है
कि मिनट्स कब तक के लिए प्रिजर्व होना चाहिए? द आंसर इज परमानेंटली. द आंसर इज परमानेंटली. आपको मिनट्स को परमानेंटली प्रिजर्व करना है, 8 साल नहीं, 10 साल नहीं, परमानेंटली प्रिजर्व करना है. लास्ट पॉइंट, ये रजिस्टर्ड ऑफिस में मिनट्स रखा जाता है अंडर कस्टडी ऑफ कंपनी सेक्रेटरी, डायरेक्टर, जिसको भी हमने ऑथोराइज किया है. तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि मिनट बुक कहां मेंटेन होनी चाहिए, तो आंसर इज मिनट बुक शुड बी मेंटेन एट रजिस्टर्ड ऑफिस. मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं क्लास, सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शंस जो है जनरल मीटिंग चैप्टर के, वो सेक्शन 96 से लेके सेक्शन 110 तक कंप्लीट हो जाते हैं. बट इस लेक्चर में हम सारे सेक्शंस देख रहे हैं. उसमें और एक सेक्शन जो बहुत इंपॉर्टेंट था, वो था सेक्शन 114 रेजोल्यूशन के ऊपर, एंड सेक्शन 118 जो अभी हमने देखा मिनट्स के ऊपर. ओके, इनको छोड़ के बाकी सेक्शंस हम कंप्लीट तो कर रहे हैं, बट आने के चांसेस कंपैरेटिवली बहुत कम है. तो डिपेंडिंग अपॉन कितना इंपॉर्टेंट है वो कंसेप्ट, आपको उतना ध्यान वहां पे देना है. चलो आगे बढ़ते हैं. सेक्शन 118 मिनट्स हो चुका है. सेक्शन 119 जो था वो इंस्पेक्शन ऑफ मिनट्स पे था. ये देखो सेक्शन 119 भी हमने कवर कर दिया, इंस्पेक्शन ऑफ मिनट्स पे था. ओके, बाकी सिंपल से कॉन्सेप्ट्स है. नेक्स्ट आते हैं क्लास सेक्शन 120, दैट इज मेंटेनेंस एंड इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म. इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म सर, क्या हमें इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी डॉक्यूमेंट्स मेंटेन रखने हैं कि सिर्फ फिजिकल फॉर्म में भी रखा तो चलेगा? तो इसका आंसर है क्लास कि कुछ कंपनीज को जरूरी है कि आपने इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करने चाहिए. सिंपल सेक्शन है. कुछ कंपनीज को यह जरूरी है कि आपने इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ही, ठीक है, डॉक्यूमेंट इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी, आपको मेंटेन करना पड़ेगा. ओके, कौन सी कंपनी को? अगर आप लिस्टेड कंपनी हो या ऐसी कंपनी हो जहां 1000 से ज्यादा या तो शेयर होल्डर्स है, सब मिला के डिबेंचर होल्डर्स प्लस सिक्योरिटी होल्डर्स, एनी अदर बॉन्ड होल्डर्स, कुछ भी. तो हर वो कंपनी जहां आई कैन से सबको मिला के 1000 से ज्यादा सिक्योरिटी होल्डर्स है, ये अदर कंपनीज के लिए. लिस्टेड कंपनी है तो ये कंपलसरी है. तो लिस्टेड कंपनी को एंड अदर कंपनीज जहां सिक्योरिटी होल्डर 1000 से ज्यादा है, इनको मैंडेटरी है, दे शाल मेंटेन डॉक्यूमेंट्स, रिकॉर्ड्स, रजिस्टर एंड मिनट्स इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म. ओके, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी मेंटेन करना पड़ेगा. फिजिकल में तो लोग करते ही है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी मेंटेन करना पड़ेगा. कौन सी कंपनी को? रिसर्च कंपनी को और अदर कंपनीज जहां 1000 से ज्यादा शेयर होल्डर्स, डिबेंचर होल्डर्स सब मिला के हैं. ओके, ऐसे केस में. नाउ कंडीशंस क्या लिखी है क्लास, ये कंडीशंस पे ध्यान देना. नंबर वन वो बोलता है जो भी फॉर्मेट में आप बनाओगे इट शुड बी प्रिस्क्राइब बाय लॉ. तो अगर कोई लॉ प्रिस्क्राइब करता है क्या फॉर्मेट में बनाना है, तो उस फॉर्मेट में आपको प्रिस्क्राइब में डालना पड़ेगा. जैसे कई सारे रजिस्टर्स हमने देखा है कि वो MGT1, MGT2 ऐसे फॉर्म नंबर दिए होते हैं कि इस फॉर्मेट में होना चाहिए. ऐसे केस में क्लास वो उस फॉर्मेट में होना चाहिए. नंबर वन. नंबर टू, इट इज केपेबल ऑफ बीइंग रिकॉर्डेड. मतलब आप ऐसे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मेंटेन करो कि उसका रिकॉर्ड हम रख सके अपने पास. नंबर थ्री, इट शुड बी रीडेबल, रिट्राइवेबल, रिट्राइव कर सके अगर चला गया है तो, एंड रिप्रोड्यूस इन प्रिंटेड फॉर्म. प्रिंटेड फॉर्म मतलब हार्ड कॉपी. इज इट क्लियर? तो आप ऐसे रखो कि जब जरूरत पड़े वो रिट्राइव हो सके, वो रीड हो सके एंड रिप्रोड्यूस हो सके प्रिंटेड फॉर्म में. नेक्स्ट पॉइंट, उसको डेट भी करना पड़ेगा और डिजिटल साइन करने का. आजकल साइन तो नहीं होती, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में वैसे भी सिग्नेचर के जगह हम डिजिटल सिग्नेचर यूज करते हैं. ओके, तो वो ऑप्शन भी अवेलेबल होना चाहिए. इट कैनॉट बी एडिटेड और ऑल्टर्ड बाय अनऑथोराइज पर्सन. कैनॉट बी एडिटेड और ऑल्टर्ड बाय अनऑथोराइज पर्सन. ऑथोराइज पर्सन के पास ये लाइट होना चाहिए, बट अनऑथोराइज पर्सन ने उसको एडिट या ऑल्टर करने का ऑप्शन नहीं होना चाहिए.
एंड कैन बी अपडेटेड फ्रॉम टाइम टू टाइम। ओके, ये कुछ कंडीशंस दिए हुए हैं। फॉर्मेट शुड बी एज पर लॉ, रिकॉर्डिंग रिकॉर्ड रखने का ऑप्शन होना चाहिए, प्रिंटेड फॉर्म में अगर आपको लेना है तो वो ऑप्शन होना चाहिए, डेट होना चाहिए, साइन होने का ऑप्शन होना चाहिए, एडिट ऑल्टर नहीं होना चाहिए बाय अनऑथोराइज पर्सन, एंड लास्ट पॉइंट अपडेट करने का भी ऑप्शन अवेलेबल होना चाहिए। ओके, ये सारे कंडीशंस फुलफिल होने चाहिए। नंबर टू, इन कंपनीज को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी मेंटेन रखना पड़ेगा। ये बात करता है क्लास सेक्शन 120। ओके, सो आगे बढ़ते हैं हम लोग। सेक्शन 120 के बाद हम देखेंगे सेक्शन 121। बहुत सिंपल सेक्शन है ये भी। क्या बोलता है? एवरी लिस्टेड पब्लिक कंपनी। लिस्टेड के साथ में पब्लिक कंपनी वर्ड क्यों यूज किया है? कि बीच में नया प्रोविजन आया था कि प्राइवेट कंपनी को भी आप लिस्ट करवा सकते हो। ओके, इसलिए स्पेसिफिकली बोला गया है एवरी लिस्टेड पब्लिक कंपनी शैल फाइल MGT 15, दिस इज अ इंपॉर्टेंट पॉइंट, विद ROC विद इन 30 डेज फ्रॉम AGM। तो लिस्टेड पब्लिक कंपनी, तुम्हारे पे ये एडिशनल रिक्वायरमेंट है कि तुमने MGT 15 भी फाइल करना चाहिए। सर इसमें क्या होगा? Which contains details of AGM. I hope it is clear. So, section 121 बोलता है कि listed public company, तुम जब भी AGM लेते हो तो AGM में क्या क्या हुआ वो details आपको form number MGT 15 में भर के ROC के पास submit करना पड़ेगा in form number MGT 15 within 30 days. Simple. चलो नेक्स्ट बचा सेक्शन 122, वो मैं आपको इसलिए नहीं पढ़ा रहा बिकॉज सेक्शन 122 में लिखा हुआ है कि जनरल मीटिंग चैप्टर के कौन कौन से प्रोविजंस ओपीसी पे एप्लीकेबल नहीं है। ओके, तो वो सिर्फ आप रेफरेंस के लिए देखते हो प्रैक्टिकली, ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें नहीं आती। डन, सो सेक्शन 122 में बात करता है कि जनरल मीटिंग जो चैप्टर नंबर 7 में कवर होता है उसमें कौन कौन से सेक्शंस है जो ओपीसी पे एप्लीकेबल नहीं है। ओके, नाउ एक सेकंड होल्ड करना। तो क्लास मैं एक बार फिर से आपको रिपीट करूंगा, पहले के दो लेक्चर्स में जनरल मीटिंग रिवीजन में अपने सेक्शन 190 सेक्शन 96 से सेक्शन 109 कवर किया था। ओके, आज के चैप्टर में हमने उसके बाद के सारे सेक्शंस कंप्लीट कर दिए। 110 था पोस्टल बैलेट में, यहां याद रखना है कौन कौन से मैटर्स पे, नंबर टू कौन कौन सी कंपनी में, और पूरा प्रोसीजर क्या है पोस्टल बैलेट से रिजोल्यूशन पास कराने का। ओके, फिर उसके बाद हमने सेक्शन 111 में देखा कि मेंबर्स भी अपना एजेंडा ऐड कर सकते हैं या सर्कुलेट करा सकते हैं। सेक्शन 112 और 113 में हमने स्पेसिफिकली देखा कि बॉडी कॉर्पोरेट का रिप्रेजेंटेटिव प्रेसिडेंट गवर्नर का रिप्रेजेंटेटिव को हम प्रॉक्सी नहीं मानते एंड प्रॉक्सी के रूल्स उन पे एप्लीकेबल नहीं होते। ओके, सेक्शन 114 देख लेते हैं फटाफट सब साथ में, ठीक है। सो हम बात कर रहे हैं सेक्शन 114। So, सेक्शन 114 स्पेसिफिकली बात करता है क्लास रेजोल्यूशंस की, ठीक है। रेजोल्यूशन दो टाइप के होते हैं, OR SR। जहां OR लगेगा वहां मेजॉरिटी ऑफ वोट फेवर में होना चाहिए, जहां SR लगेगा वहां 75% वोट फेवर में होने चाहिए। बट वोटिंग की काउंटिंग कैसे करेंगे? जितने लोग मीटिंग में आए हैं एक्सेप्ट पोस्टल बैलेट ऑफकोर्स, जितने लोग मीटिंग में आए हैं एक्सेप्ट ई वोटिंग एज वेल ऑफकोर्स, ठीक है। जितने लोग मीटिंग में आए हैं जिनके वोट्स वैलिड है उसके हिसाब से हम चेक करेंगे OR या SR पास हो रहा है या नहीं। फिर सेक्शन 115 ने आपको बताया कि कौन कौन से रेजोल्यूशंस है जहां स्पेशल नोटिस की जरूरत है और स्पेशल नोटिस की क्या कंडीशंस है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट 116 बोलता है कि भले ही एडजर्न मीटिंग में रेजोल्यूशन पास हुआ एंड एडजर्न मीटिंग इज अ एक्सटेंशन टू ओरिजिनल मीटिंग, बट जिस डेट पे वो पास हुआ दैट विल बी डेट ऑफ पासिंग द रेजोल्यूशन।
सेक्शन 117 में हमने देखा कौन कौन से रेजोल्यूशन है जो आपको आरओसी के पास फाइल करने पड़ेंगे एमजीटी 14 में। सेक्शन 118 में हमने मिनट से रिगार्डिंग रूल्स देखे। सेक्शन 119 में हमने देखा इंस्पेक्शन ऑफ मिनट से रिगार्डिंग रूल। सेक्शन 120 बोलता है कौन कौन सी कंपनीज को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह मेंटेन करने पड़ेंगे और क्या क्या कंडीशंस है उसकी। सेक्शन 121 में हमने देखा कि लिस्टेड पब्लिक कंपनी को मीटिंग होने के 30 दिन के अंदर फॉर्म नंबर एमजीटी 14 में डिटेल्स भेजनी पड़ेगी। 122 वॉज अबाउट ओपीसी। तो सेक्शन 96 से लेके क्लास सेक्शन मैंने 122 तक सब कुछ कंप्लीट कर दिया। ओके आगे बढ़ो। चैप्टर नंबर 7 जो बात करता है वो मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन की बात करता है। उसमें एक्चुअली सेक्शन 88 से दिए हुए हैं रूल्स। ओके तो सेक्शन 88 से 122 तक कवर होता है चैप्टर नंबर 7 में। हमने 96 ऑनवर्ड्स तो देख लिया बट 88 से लेके 95 तक कुछ रजिस्टर्स और रिटर्न्स के बारे में बात करता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उस पर थ्योरी क्वेश्चन तो नहीं आता बट एमसीक्यू के लिए एक आधी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो मैं वो भी सेक्शंस इस लेक्चर में ठीक है कंप्लीट कर देता हूं। 88 से लेके आई एम टॉकिंग अबाउट सेक्शन 95। तो एक बार देख लेते हैं एक ओवरव्यू। शॉर्ट में मैंने आपको फ्लो चार्ट्स में लिख के दिया हुआ है तो आपके लिए रिविजन करना भी क्लास कंपैरेटिवली बहुत आसान होगा। ओके चलो सो क्लास कमिंग टू सेक्शन 88। नाउ सेक्शन 88 बोलता है एवरी कंपनी वेदर प्राइवेट और पब्लिक, यानी हर कंपनी के लिए एप्लीकेबल है वेदर प्राइवेट और पब्लिक, विच शेयर कैपिटल और नॉट, मतलब शेयर कैपिटल हो ठीक है या ना हो मैटर नहीं करता, शैल मेंटेन, कुछ रजिस्टर्स है जो मेंटेन करने के लिए इस सेक्शन में बोला हुआ है। नंबर वन रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, जितने भी उसके मेंबर्स है शायद शेयर होल्डर्स हो या गारंटी होल्डर्स हो उनका रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा इन फॉर्म नंबर एमजीटी 1। ओके नंबर टू रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर्स इन फॉर्म नंबर एमजीटी 2, जितने डिबेंचर होल्डर्स है उनका भी एक रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा इन फॉर्म नंबर एमजीटी 2। प्लस रजिस्टर ऑफ सिक्योरिटी होल्डर्स, उनके लिए फॉर्म नंबर नहीं दिया हुआ है बट जितने भी सिक्योरिटी होल्डर्स है वो कवर हो गए ना, शेयर होल्डर्स गारंटी होल्डर्स कवर हो गए एमजीटी 1 में और डिबेंचर होल्डर्स और बॉन्ड होल्डर्स कवर हो गए एमजीटी 2 में। तो ये दो रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स एंड रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर्स एमजीटी 1 और एमजीटी 2 में। नाउ नेक्स्ट पॉइंट बोलता है फॉरेन रजिस्टर भी मेंटेन करना पड़ेगा, मतलब जितने भी फॉरेन मेंबर्स है मेरे उनके लिए भी एक रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा। रूल क्या है, दिस रजिस्टर शुड बी केप्ट आउटसाइड इंडिया, फॉरेन रजिस्टर ठीक है आउटसाइड इंडिया मेरी जो फॉरेन ब्रांचेस है उसमें मेंटेन होता है। नंबर टू इसमें होती है डिटेल्स ऑफ पर्सन रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया, दिस रजिस्टर कंटेन्स डिटेल्स ऑफ मेंबर्स रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया। नेक्स्ट पॉइंट आपको नया ऑफिस शुरू करने के 30 दिन के अंदर, थर्ड पॉइंट क्या बोलता है आपको नया ऑफिस शुरू करने के 30 दिन के अंदर एमजीटी 3 में फॉरेन रजिस्टर मेंटेन कर लेना चाहिए। ओके वापस से बोल रहा हूं कि अगर आपने नया ऑफिस खोला है फॉरेन में वहां जितने भी मेंबर्स है उसकी पूरी लिस्ट और एंट्री हो जानी चाहिए विद इन 30 डेज। ओके नेक्स्ट पॉइंट, ये भी पॉइंट नंबर 4 इसी पॉइंट का है, दिस इज पॉइंट नंबर 4। ओके इसका है ये, दिस इज ऑफ फॉरेन रजिस्टर, दिस इज ऑफ फॉरेन रजिस्टर। तो क्या बोलते हैं विद इन 15 डेज ऑफ मेकिंग एंट्री अपडेट टू रजिस्टर ऑफिस, मतलब आगे जाके भी आप जो जो एंट्रीज करोगे उसके 15 दिन के अंदर आपको जो रजिस्टर्ड ऑफिस है इंडिया के अंदर उनको अपडेट करना पड़ेगा। ओके तो मैं फिर से रिव्यू कर रहा हूं पूरे पॉइंट, हर कंपनी को ये कुछ रजिस्टर्स मेंटेन करने पड़ेंगे, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स जिसमें मेंबर्स की सारी डिटेल्स होंगी इन फॉर्म नंबर एमजीटी 1,
रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर्स, जिसमें डिबेंचर होल्डर्स की सारी डिटेल्स होगी इन फॉर्म नंबर MGD2, एंड फॉरेन रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। फॉरेन रजिस्टर मेंबर्स में क्या होगा, जितने भी हमारे फॉरेन मेंबर्स हैं उनकी डिटेल्स दी होगी। ओके, ये आपको MGD3 में मेंटेन करना पड़ेगा जब भी ऑफिस खोलेंगे वहां पे उसके 30 दिन के अंदर। और जब भी आप कोई एंट्री करोगे फॉरेन मेंबर की, तो आपको वो 15 दिन के अंदर कंपनी के रजिस्टर ऑफिस में उनको इंटीमेट करना है। ओके, नाउ नोट क्या बोलता है फर्स्ट पॉइंट, वो बोलता है कि जब भी आपने इनको शेयर्स डिबेंचर्स अलॉट किए उससे 7 दिन के अंदर एंट्री हो जानी चाहिए। तो बेसिकली यहां पे इंटेंशन क्या है क्लास, कितने दिन के अंदर एंट्री हो जानी चाहिए। रूल इज जब भी आप उन्हें अलॉट करोगे उसके 7 दिन के अंदर एंट्री हो जानी चाहिए। नंबर टू बोलता है प्लेस ऑफ कीपिंग, ये सारे रजिस्टर्स आपको नंबर वन रजिस्टर ऑफिस में ही रखना पड़ेगा, और कहीं और शिफ्ट करना है तो SR पास करना पड़ेगा। ओके, रजिस्टर ऑफिस में ही मेंटेन करना पड़ेगा, कहीं और शिफ्ट करना है तो SR पास करना पड़ेगा। बट पॉइंट नंबर थ्री देखना, दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। सर हम शिफ्ट कहां कर सकते हैं? आप ये सारे रजिस्टर्स ऐसे और कोई जगह शिफ्ट कर सकते हैं जहां मेरे कम से कम 1/10 ऑफ मेंबर्स रहने चाहिए। तो आई गिव यू एग्जांपल कि हमारा रजिस्टर ऑफिस सर दिल्ली में है, उसे अगर हमें मुंबई और हमारे बुक्स भी पूरे वहीं पड़े हुए हैं। अब हम चाहते हैं कि हमारे रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर्स मुंबई में शिफ्ट करें। यस, आप मुंबई में शिफ्ट कर सकते हो, प्रोवाइडेड आपके टोटल मेंबर्स में से कम 1/10 मेंबर्स मुंबई में हो। ओके, तो वैसे तो ये सारे रजिस्टर्स आपके कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस में होने चाहिए, बट कहीं और शिफ्ट करना है तो आपको पहले तो स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। नंबर टू, वही सिटी में आप शिफ्ट कर सकते हो जहां मेरे कम से कम 1/10 मेंबर्स रेसाइड करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। पॉइंट नंबर थ्री क्या बोलता है कि इन रजिस्टर का आपको इंडेक्स भी मेंटेन करना पड़ेगा। सर इंडेक्स मतलब क्या होता है? सी क्लास, रजिस्टर मेंबर्स में तो सारे मेंबर्स के नाम लिखे होंगे। सपोज कल जाके मुझे सपोज शरद नाम के मेंबर का सबको चेक करना है। अब क्लास में पूरा का पूरा रजिस्टर तो घुमा नहीं सकता कि शरद कहां पे है, शरद कहां पे है, शरद कहां पे है। इसीलिए लॉ बोलता है कि आपने इंडेक्स मेंटेन करना चाहिए। इंडेक्स जैसे आपने देखा होगा टेलीफोन की डायरेक्टरी होती है, नेम वाइज पूरे इंडेक्स लिखे होते हैं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सीधा SH नाम पर जाना पड़ेगा, SH में शरद का नाम ढूंढना पड़ेगा, शरद के नाम के आगे इंडेक्स में लिखा होगा पेज नंबर 1000। तो अब मैं रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में पेज नंबर 1000 में जाऊंगा तो मुझे शरद की सारी डिटेल्स वहां पे मिल जाएगी। आई होप माई पॉइंट इज क्लियर। तो जिन कंपनीज में कम से कम 50 या उससे ज्यादा मेंबर्स है उनको ये कंपलसरी है कि आपको इंडेक्स भी मेंटेन करना पड़ेगा। आई होप इट इज क्लियर, उनको इंडेक्स भी मेंटेन करना पड़ेगा मेंबर्स का। लास्ट पॉइंट, ये रजिस्टर कितने लोग ऑथेंटिकेट करते हैं, कंपनी सेक्रेटरी और एनी पर्सन ऑथोराइज बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, अगर गलती से MCQ आया तो। ओके, सो मैं फिर से पूरी कॉमेंट्री करता हूं सेक्शन 88 की। कोई भी कंपनी हो आपको 3 रजिस्टर तो मेंटेन करने ही है। नंबर 1 रजिस्टर ऑफ मेंबर्स इन फॉर्म नंबर MGT1, नंबर 2 रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर्स इन फॉर्म नंबर MGT2, एंड फॉरेन रजिस्टर ऑफ मेंबर्स इन फॉर्म MGT3। नाउ फॉरेन रजिस्टर में क्या होता है सर, जो मेरे फॉरेन मेंबर्स है उनकी डिटेल्स लिखी होती है। तो जिस कंट्री में भी मैंने ब्रांच खोली है, एक तो 30 दिन के अंदर MGT3 प्रिपेयर हो जाना चाहिए। दूसरा, जब भी फॉरेन रजिस्टर में कोई मेंबरशिप में चेंज होगा, ठीक है, आपने नई एंट्री की है, तो रजिस्टर ऑफिस को आपको 15 दिन के अंदर बताना है। जनरल पॉइंट्स कुछ लिखे आपको, फर्स्ट पॉइंट लिखा है कि एंट्री कब तक हो जानी चाहिए, 7 दिन के अंदर एंट्री हो जानी चाहिए। जिस दिन आपने अलॉटमेंट किया शेयर्स डिबेंचर्स, 7 दिन के अंदर रजिस्टर में एंट्री हो जानी चाहिए। नंबर टू, सर ये रजिस्टर कहां पे रखेंगे, व्हाट इज द प्लेस ऑफ कीपिंग द रजिस्टर्ड? द आंसर इज, वैसे तो ये कंपनी के रजिस्टर ऑफिस में होगा, कहीं और शिफ्ट करना है तो आपको SR पास करना पड़ेगा। और एक रूल ये बोलता है कि वहीं पे शिफ्ट कर सकते हो जहां मेरे टोटल 1/10 ऑफ मेंबर्स तो एटलीस्ट रहते हैं। नंबर 3, अगर आपके मेंबर्स 50 या उससे ज्यादा है
आपको एक इंडेक्स भी मेंटेन करना पड़ेगा। एंड लास्ट पॉइंट, ये ऑथेंटिकेट कौन करेगा? कंपनी सेक्रेटरी और पर्सन ऑथराइज बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। कमिंग टू क्लास नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन 89। नाउ सेक्शन 89 क्या बोलता है, ध्यान दो, ये स्पेसिफिकली डील करता है क्लास विद बेनिफिशियल होल्डर ऑफ शेयर्स। दिस सेक्शन स्पेसिफिकली डील्स विद बेनिफिशियल ओनर ऑफ शेयर्स। तो सर ये बेनिफिशियल ओनर क्या होता है, आई गिव यू एग्जांपल। जब भी हमारे शेयर्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होते हैं, डिपॉजिटरीज के पास होते हैं, और हमने देखा था कि डिपॉजिटरीज के थ्रू ही ये शेयर्स दिए जाते हैं जनरल पब्लिक को, तो मैंने कंपनी ने किसको शेयर्स दिए, डिपॉजिटरीज को, और डिपॉजिटरीज ने किसको दिए, सर जनरल मेंबर्स को, जनरल पब्लिक को। पॉइंट समझो, मैंने तो डिपॉजिटरीज को शेयर्स दिए ना, तो मेरे रजिस्टर में डिपॉजिटरी का नाम लिखा होगा, बट सर शेयर्स एक्चुअली किसके पास है, सर जनरल पब्लिक के पास है। वोटिंग राइट्स किसको है, सर जनरल पब्लिक को है। डिविडेंड किसको है, सर जनरल पब्लिक को है। ध्यान दो, मतलब वो जनरल पब्लिक ने मेरे शेयर्स डिपॉजिटरी से खरीदे हैं, वो मेरे मेंबर नहीं है, बिकॉज मेंबर वो होता है जिनका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में लिखा होता है, और रजिस्टर में तो डिपॉजिटरी का नाम लिखा हुआ है, तो दे आर नॉट माई रजिस्टर्ड मेंबर्स, बिकॉज रजिस्टर्ड मेंबर्स तो वो होते हैं जिनका नाम रजिस्टर में लिखा जाता है। बट वोटिंग किसको मिल रहा है, उन लोगों को मिल रहा है। सर डिविडेंड किसको मिल रहा है, उन लोगों को मिल रहा है, तो उनको बेनिफिट्स मिल रहे हैं, देयरफॉर दे आर कॉल्ड एज बेनिफिशियल ओनर ऑफ शेयर्स। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, वैसे तो रजिस्टर्ड ओनर ही बेनिफिशियल ओनर होते हैं, उन्हीं को बेनिफिट्स मिलते हैं, बट कुछ कुछ केसेस में रजिस्टर्ड मेंबर कोई और हो सकता है और बेनिफिशियल मेंबर कोई और हो सकता है। आई गिव यू वन मोर एग्जांपल। सपोज सम ट्रस्टी इज होल्डिंग शेयर्स ऑफ द कंपनी ऑन बिहाफ ऑफ द ट्रस्ट, ओके। तो ट्रस्टी का नाम हमारे रजिस्टर्ड मेंबर में लिखा हुआ है, तो ही इज द रजिस्टर्ड मेंबर, वेयर एज एक्चुअली बेनिफिट किसको जा रहे हैं, सर ट्रस्ट को जा रहे हैं, तो ट्रस्ट विल बी माय बेनिफिशियल ओनर ऑफ शेयर्स, ओके। और एग्जांपल देता हूं, आपने सुना होगा असाइनमेंट, कि मैं सपोज कंपनी का मेंबर हूं, बट मैं उसके डिविडेंड और वोटिंग के राइट्स असाइन कर सकता हूं मेरी वाइफ को, ओके। तो कंपनी के मेंबर्स के रजिस्टर में मेरा नाम लिखा हुआ है, मैं मेंबर हूं, बट वोटिंग कौन कर सकता है, मेरी वाइफ कर सकती है, या डिविडेंड किसको मिलेगा, मेरे वाइफ को मिलेगा, तो बेनिफिट्स कौन एंजॉय कर रहा है, मेरी वाइफ। अगर मैंने कंपनी को ये इंटीमेट किया था असाइनमेंट डीड से कि मैं अपने वोटिंग और अपने डिविडेंड के राइट्स अपने वाइफ को असाइन कर रहा हूं, ऐसे केस में क्या होगा कि आई एम द रजिस्टर्ड मेंबर, बट उसके बेनिफिट्स किसको मिल रहे हैं, मेरे वाइफ को मिल रहे हैं, तो रजिस्टर में मेरा नाम लिखा हुआ है बट बेनिफिशियल ओनर मेरी वाइफ है। सर तो पॉइंट क्या है, सेक्शन 89 बोलता है कि आपको डिक्लेरेशन फाइल करना है कंपनी के पास। आई रिपीट, सेक्शन 89 बोलता है आपको डिक्लेरेशन फाइल करना है कंपनी के पास। कब सर, ठीक है, फर्स्ट केस, इफ नेम इज इन रजिस्टर बट यू आर नॉट द बेनिफिशियल ओनर, बेनिफिशियल इंटरेस्ट नहीं है आपके पास, ओके। मतलब आपका नाम तो रजिस्टर में लिखा है बट बेनिफिट्स आप नहीं, कोई और एंजॉय कर रहा है, जैसे मेरे केस में, ठीक है, मैं कंपनी डिक्लेरेशन दे दूंगा कि बेनिफिट मेरी वाइफ एंजॉय कर रही है लेकिन नाम मेरा लिखा हुआ है। नंबर टू, आपका नाम तो रजिस्टर में नहीं है बट आप बेनिफिशियल ओनर हो, ओके। नंबर थ्री, अगर कोई भी चेंज होता है आगे जाके बेनिफिशियल इंटरेस्ट में, इन शॉर्ट ये एक और साइड से, वैसे तो कंपनी खुद ही अपडेट कर देती है क्लास, बट ये सेक्शन 89 ने और एक एडिशनल पॉइंट डाला, किसके एंगल से, बेनिफिशियल ओनर के एंगल से, कि भाई साहब ठीक है अगर तुम्हारा नाम रजिस्टर में लिखा है बट तुम बेनिफिशियल ओनर नहीं हो, ओके। नंबर टू, तुम्हारा काम रजिस्टर में लिखा हुआ नहीं है लेकिन तुम बेनिफिशियल ओनर हो, ऐसे केस में आपने कंपनी को डिक्लेरेशन फाइल करना चाहिए, दिस इज द सिचुएशन, ओके। नंबर टू, अगर इसके बाद कोई भी चेंज आता है आपके बेनिफिशियल इंटरेस्ट में, तो वो भी कंपनी को सेक्शन 89 के तहत आपको इंटीमेट करना पड़ेगा। सर ये इंटीमेट किस में करेंगे, फॉर्म नंबर MGT4, इसलिए बॉय यहां पे MCQ के लिए इंपॉर्टेंट है, फॉर्म नंबर MGT4, कब तक, विद इन 30 डेज, इन फॉर्म नंबर MGT4 एंड 5, ओके। इसमें पॉइंट क्या है,
पहले के दो आपको MGT4 ने बताने, ये देखो पहले के दो आपको MGT4 में बताने हैं और लास्ट वाला आपको MGT5 में बताना है। तो नंबर वन, मैं मेंबर हूं बट मैं बेनिफिशियल ओनर नहीं हूं, तो मैं MGT4 ने बताऊंगा। नंबर टू, मैं मेंबर नहीं हूं बट बेनिफिशियल ओनर हूं, तो मैं MGT4 ने बताऊंगा। नंबर थ्री, कुछ भी चेंज हुआ मेरे बेनिफिशियल ओनरशिप में तो मैं MGT5 में बताऊंगा, ठीक है, 30 दिन के अंदर। अब कंपनी क्या करेंगी, कंपनी इसका नोट ले लेगी एंड ये रिटर्न फाइल करेगी इन डिटेल्स का ROC के पास इन फॉर्म नंबर MGT6 विद इन 30 डेज। सिंपल, ओके। तो MGT1 रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, MGT2 रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर्स, MGT3 फॉरन रजिस्टर, MGT4 ठीक है वो पहले के दो केसेस यहां पे, MGT5 अगर कोई भी चेंज हुआ बेनिफिशियल इंटरेस्ट पे, MGT6 जब आप कंपनी के पास फाइल करोगे, कंपनी 30 दिन के अंदर ROC का सी डिटेल्स फाइल करेगी इन फॉर्म नंबर MGT6। आगे बढ़ो, चलो लेट्स मूव टू नेक्स्ट सेक्शंस। नेक्स्ट सेक्शन भी बहुत सिंपल सिंपल से है, छोटे छोटे सेक्शंस है, ओके। सेक्शन 90 क्या बोलता है, सेंट्रल गवर्नमेंट इफ रिक्वायर्ड कैन ऑर्डर इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, टू इन्वेस्टिगेट बेनिफिशियल ओनरशिप ऑफ शेयर्स। तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई भी डाउट आता है कि बेनिफिशियल ओनरशिप प्रॉपरली मेंटेन है कि नहीं, कुछ गड़बड़ी तो नहीं है, तो वो इस पे इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन भी करवा सकती है। ये बोलता है सेक्शन 90। सेक्शन 91 क्या बोलता है, अ कंपनी कैन क्लोज रजिस्टर ऑफ मेंबर्स मैक्सिमम 30 डेज, मैक्सिमम 30 डेज एट वन टाइम एंड 45 डेज इन अ ईयर। सर कहानी क्या है, पॉइंट क्या बोल रहा है, सी क्लास, हम जब भी AGM लेते हैं तो रजिस्टर मेंबर क्लोज करते हैं क्योंकि हमको उसको अपडेट करना होता है एंड हमको बताना होता है कि इस दिन तक के मेंबर को ही हम डिविडेंड पे करने वाले हैं। ऐसे अपडेट करने के लिए आप क्लोज कर सकते हो, क्लोज कब तक करना है ये ध्यान दो, और इसमें MCQ पे क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, ओके। क्लोज कब तक करना है, रूल बोलता है किसी भी एक समय पे आप अगर रजिस्टर क्लोज कर रहे हो, एक टाइम पे मैक्सिमम 30 दिन तक ही क्लोज होना चाहिए, 30 दिन तक ही क्लोज होना चाहिए। तो आप एक टाइम पे 35 दिन 40 दिन के लिए क्लोज नहीं रख सकते रजिस्टर को, एक टाइम पे मैक्सिमम 30 दिन। अब ऐसे साल भर में आप एक बार करोगे क्लोज, दो बार क्लोज करोगे, तीन बार क्लोज करोगे, साल भर में पूरा मिला के मैक्सिमम 45 दिन तक ही क्लोज होना चाहिए। तो आई रिपीट, किसी भी एक समय में मैक्सिमम 30 दिन तक क्लोज होना चाहिए, ओके। और पूरा मिला के, ठीक है, साल भर में जितने बार भी क्लोज होगा सब मिला के मैक्सिमम 45 दिन तक ही रजिस्टर क्लोज होना चाहिए, ओके। पब्लिक कंपनी में एडिशनल रिक्वायरमेंट दिया हुआ है कि आपको वेबसाइट और न्यूज़पेपर में ही पब्लिश करना पड़ेगा, प्राइवेट कंपनी में आपको सारे मेंबर्स को बता देना पड़ेगा कि हमने रजिस्टर क्लोज किया है। सर हम कैसे बताते हैं, हम नोटिस देते हैं उन मेंबर्स को, ओके। सो सेक्शन 90 क्या बोलता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो इन्वेस्टिगेट कर सकती है हु आर द बेनिफिशियल ओनर्स ऑफ द शेयर्स। सेक्शन 91 बोलता है कि रजिस्टर क्लोज कब तक कर सकते हैं, ओके। एक बार में मैक्सिमम 30 दिन तक एंड पूरा मिला के मैक्सिमम 45 डेज तक, ओके। नेक्स्ट सेक्शन 92 बात करता है क्लास एनुअल रिटर्न, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। सेक्शन 92 बात करता है एनुअल रिटर्न की इन फॉर्म नंबर MGT7। सबसे पहले तो फॉर्म नंबर बहुत जरूरी है, आपको याद होगा हमने ये सेक्शन कई बार देखा है इनडायरेक्टली। हमने क्या बोला है, जब भी कंपनी का AGM होता है उसके 30 दिन के अंदर आपको एनुअल अकाउंट्स फाइल करने पड़ेंगे ROC के पास, एंड जब भी कंपनी का AGM होता है उसके 60 दिन के अंदर एनुअल रिटर्न फाइल करना पड़ेगा ROC के पास। तो सर ये एनुअल रिटर्न कौन से फॉर्म में होगा, उससे रिगार्डिंग क्या रूल्स है, ये सब कुछ दिए हुए हैं सेक्शन 92 में क्लास। तो एनुअल रिटर्न का फॉर्म नंबर कौन सा है सर, MGT7। कंटेंट क्या बोलता है, पूरे साल भर में शेयर्स कितने गए, डिबेंचर्स कितने हुए, इनडेटनेस, प्रमोटर्स, यानी साल भर की सारी बेसिक डिटेल्स उस एनुअल रिटर्न में होती है। साल भर में टर्नओवर कितना था, साल भर में एसेट्स कितने थे, लायबिलिटीज कितने थे, कितने शेयर्स हमने इशू किए, कितने डिबेंचर्स इशू किए, कितने हमने बायबैक किए, सारी बेसिक डिटेल्स दी होती है वो MGT7 फॉर्म में। एनुअल रिटर्न का फॉर्म वही है। साइनिंग, दिस इज इंपॉर्टेंट, इट शुड बी साइन बाय डायरेक्टर प्लस कंपनी सेक्रेटरी, लिखा है क्लास, और नहीं है ऑप्शन में। प्लस लिखा हुआ है मतलब, ठीक
ठीक है, बोथ है, डायरेक्टर प्लस कंपनी सेक्रेटरी, एंड ओपीसी और स्मॉल कंपनी में सिर्फ कंपनी सेक्रेटरी साइन करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, सर्टिफिकेशन, ये सब कुछ सही है, इसका एक सर्टिफिकेट, यानी जो भी एनुअल रिटर्न में लिखा है ये सही है, उसका एक सर्टिफिकेट भी लेना पड़ता है इन फॉर्म नंबर MGT 8। बट ये सर्टिफिकेट कौन देगा? एक प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी दे सकता है, बट कौन सी कंपनी इसमें जरूरी है? जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज्यादा है और टर्नओवर 50 करोड़ या उससे ज्यादा है। तो ऐसी कंपनीज जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज्यादा है या टर्नओवर 50 करोड़ या उससे ज्यादा है, उनको सर्टिफिकेशन भी करवाना पड़ेगा कि एनुअल रिटर्न में जो भी लिखा है वो सही है। यह सर्टिफिकेशन भी ROC को सेंड होगा इन फॉर्म नंबर MGT 8। लास्ट पॉइंट, प्रिजर्वेशन, एनुअल रिटर्न शुड बी प्रिजर्व फॉर 8 ईयर्स। आज ही हमने देखा था, मिनट्स तो आपको परमानेंटली प्रिजर्व करना है, बट एनुअल रिटर्न आपको प्रिजर्व करना है फॉर 8 ईयर्स। लास्ट पॉइंट, टाइम लिमिट ऑफ फाइलिंग, याद है हमको, हमने पढ़ा था कि ये फाइल कब तक करेंगे? विद इन 60 डेज फ्रॉम AGM, या फिर अगर AGM टाइम पे नहीं हुई तो लास्ट डेट ऑफ होल्डिंग AGM से 60 डेज के अंदर। सिंपल क्लास, बहुत सिंपल, जितने भी सेक्शन से ये एक दो आपको पढ़ने हैं, ओके? तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये पूरे हमने लाइन से सेक्शन 92 तक देखा, 90, 91, 92। सेक्शन 90 बोलता है आपके जो बेनिफिशियल ओनर ऑफ शेयर्स है वो चेक करने का पावर है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में, वो इन्वेस्टिगेशन या इंस्पेक्शन करवा सकता है। सेक्शन 91 बोलता है कि यस, कंपनीज कुछ टाइम के लिए रजिस्टर ऑफ मेंबर्स वगैरह क्लोज रख सकती है, बट किसी एक समय पे मैक्सिमम 30 दिन के ऊपर क्लोज नहीं रखना है, एंड पूरा मिला के साल भर में 45 डेज के ऊपर क्लोज नहीं रखना है, एंड जब भी क्लोज रखोगे तो आपको इंटीमेट करना पड़ेगा मेंबर्स को, प्लस अगर पब्लिक कंपनी है तो वेबसाइट में और एडवर्टाइजमेंट में भी पोस्ट करना पड़ेगा। सेक्शन 92 बात करता है एनुअल रिटर्न के बारे में, ठीक है, जो फॉर्म नंबर MGT 7, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्लास, MGT 7 में डिटेल्स होंगी। वो बोलता है साल भर में जो भी लेखा जोखा हुआ वो एनुअल रिटर्न में आते हैं। नंबर 2, साइन करेगा डायरेक्टर, एक डायरेक्टर प्लस कंपनी सेक्रेटरी, ओपीसी और स्मॉल कंपनी में सिर्फ कंपनी सेक्रेटरी ने भी साइन किया तो चलेगा। सर्टिफिकेशन भी कराना पड़ेगा अगर रिक्वायर्ड क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है, तो सर्टिफिकेशन होगा इन फॉर्म नंबर MGT 8। और ये एनुअल रिटर्न आपको 8 साल तक प्रिजर्व करना पड़ेगा। सर, ये एनुअल रिटर्न फाइल कब तक करना पड़ता है? हर कंपनी AGM होने से 60 दिन के अंदर ROC के पास फाइल करती है, और अगर AGM टाइम पे नहीं हुआ तो AGM के लास्ट डेट से 60 डेज के अंदर वो ROC के पास फाइल करती है, ओके? सेक्शन 90, सेक्शन 92। आगे बढ़ते हैं, 3 सेक्शंस अपने बचे हैं छोटे मोटे से, और ये अपना पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ओके? मैं इसको बड़ा कर रहा हूं ताकि आपके लिखने में आसानी हो, तो आप वीडियो को पॉज करके लिख सकते हो।